नमस्कार। आज हम चल रहे हैं बेतवा नदी के किनारे पर स्थित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी ओरछा के लिए, जहां भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है 1501 ईस्वी में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा का किला बनाकर यह नगर बसाया था। राजा राम मंदिर के अतिरिक्त ओरछा में हम बुंदेल राजाओं के ऐतिहासिक किले को भी देख सकते हैं। यह स्थान धर्म, पर्यटन व इतिहास से परिपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा राजा राम की पवित्र नगरी ओरछा के लिए। ओरछा पहुंचने के लिए हमें नजदीकी रेलवे स्टेशन झांसी, जो कि 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हमें पहुंचना होता है। झांसी के रेलवे स्टेशन से हम ऑटो के द्वारा 20 रुपए किराया देकर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। बस स्टैंड से हम ऑटो व बस के द्वारा लगभग 40 रुपए देकर ओरछा पहुंच सकते हैं। ओरछा की यह यात्रा करने के 1 से 2 दिन का समय पर्याप्त होता है। यहाँ ठहरने के लिए हमें ढेरों होटल आसानी से मिल जाते हैं। बस के द्वारा हम सीधे राजा राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। जहां से हम प्रसाद वगैरह लेकर मंदिर में राजा राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। राजा राम मंदिर की कथानुसार बताया जाता है कि 1554 ईस्वी में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे तथा रानी कोवर गणेशी भगवान राम की भक्त थी। तब राजा ने रानी से वृंदावन चलने के लिए कहा तो रानी ने अयोध्या चलने के बारे में कहा। तब राजा के ने कहा कि अगर तुम अयोध्या जा रही हो तो राम जी लेकर ही वापस आना। जिसके बाद रानी ने भगवान राम को ओरछा लाने का संकल्प लेकर अयोध्या चली गई। रानी के प्रयास व तपस्या के बाद भी जब राम जी ने दर्शन नहीं दिए तो रानी सरयू नदी में कूद गई। कूदने पर भगवान श्री राम ने रानी को नदी के भीतर बाल रूप में दर्शन दिए तो रानी ने अपने साथ ओरछा चलने के लिए भगवान श्री राम से कहा। तब भगवान श्री राम ने ओरछा जाने की 3 शर्त रखी, जिसमें पहली शर्त यह थी वह जहां जाएंगे वहां के राजा राम ही होंगे। दूसरी शर्त अनुसार प्रभु श्री राम पुष्य नक्षत्र में यह यात्रा करेंगे तथा तीसरी शर्त अनुसार जहां एक बार विराजित करेंगे वहीं राम जी सदैव के लिए विराजित हो जाएंगे। सभी शर्तों को मानकर रानी भगवान राम को बाल रूप में लेकर ओरछा पहुंची, लेकिन चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा ना होने से रानी ने राम भगवान की बाल रूप की मूर्ति को रसोई घर में रख दिया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राम जी की प्रतिमा को रखने का प्रयास किया गया, परंतु भगवान राम की बाल रूप की प्रतिमा उस स्थान से नहीं हिली। तब भगवान सदैव के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो गए। मंदिर के भीतर फोटो तथा वीडियो लेने पर सख्त प्रतिबंध है, अतएव बिल्कुल प्रयास ना करें। राजा राम के इस मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद को हमें अवश्य लेना चाहिए, जो कि हमें 20, 50 तथा 100 रुपए में मिल जाता है। राजा राम के दर्शन करने के पश्चात हम चतुर्भुज मंदिर के लिए जाते हैं, जिसे भूल भुलैया के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम के महल के रसोई घर में विराजमान हो जाने पर यह आकर्षक और अद्भुत चतुर्भुज मंदिर खाली रह गया।
यह मंदिर का निर्माण बहुत ही अद्भुत और सुंदर तथा आकर्षक रूप से किया गया था, जिसमें बाद में प्राण प्रतिष्ठा कर भगवान की दूसरी मूर्ति को विराजमान किया गया था। चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए 10 रुपए का टिकट लेना होता है। इसी टिकट से ओरछा के दूसरे किलो को देख पाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने राजा का महल दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि राजा सुबह उठने पर सबसे पहले खिड़की से भगवान राम के दर्शन कर सके। भूल भुलैया में भ्रमण करने के पश्चात हमें पेट में चूहे कूदने या भूख का एहसास होने लगता है। तो हम यहाँ पर लगभग 40 रुपए में मिलने वाली पूरी सब्जी रूपी भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जिसका एक अलग ही आनंद होता है। राम राजा सरकार के इस मंदिर को प्रशासन द्वारा प्रतिदिन नियमित गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राम राजा सरकार के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ पर राजा महल तथा जहांगीर महल के दर्शन अगले भाग में करेंगे तथा बेतवा नदी के सुंदर घाट के भी संध्या के समय दर्शन कर सकते हैं। राजा राम सरकार के दर्शन की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दें।